आजकल पोर्टल पे जो है उसका भी बहुत महत्व है समाज में, उनका भी मैं इस प्रांगण जो ये प्रांगण है जिला पंचायत उस प्रांगण में आप आए हुए अतिथियों का दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता में इसलिए रखवाई गई, आने वाला 2022 चुनाव में वास्तविकता में जब से आप सब बुद्धिमान हैं, किन्नर समाज भी तो आपके परिवार का अंग है, आपकी बहन भाई कुछ भी हो सकते हैं, मैं भी किसी माँ के कोख से जन्म ली हूँ। जबकि पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी के साथ मैंने 15 साल 12 साल काम करने के बावजूद भी जो सम्मान उनको देना चाहिए वो चेयरमैन का एक टिकट तक नहीं दिए और हमारे लोगों का वोट लिए और पार्टी में उपयोग किए। वास्तविकता में यदि कोई देखा जाए भारत निर्माण सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं वो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय योगी जी माननीय मोदी जी ये दो राम लक्ष्मण की जोड़ी इस भारत देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। सभी जनता के आशीर्वाद से पूर्ण मोहब्बत की सरकार राज्य में और केंद्र में। इस समय मैं आप लोगों के बीच में जनता सुल्तानपुर 3 दिवसीय दौरा में आई हूँ और पार्टी का आदेश था जो आपको आज जाना है और कल मैं डीएम कलेक्ट्रेट में हमारी सारे अधिकारियों के साथ बोर्ड की मीटिंग है उसकी भी जानकारी आप लोगों को कल दूंगी मैं। परंतु हमारा लक्ष्य ये है जो हमारी रात दिन हमारी सांसद जी काम कर रहे हैं, हमारे विधायक लोग काम कर रहे हैं, हमारे प्रमुख हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जैसे आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन और मर्यादा और बुद्धिजीवियों की पार्टी, जैसे और पार्टी में लक्ष्मण लोग हैं मंच पे देखिए प्रतापगढ़ में मारपीट कर लेते हैं कहीं कहीं कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे सब काम नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन और शिष्टाचार और मर्यादा के साथ जो व्यक्ति रहेंगे वो बहुत ही समाज में आगे जाएगा।